In the words of Mother Teresa, a woman alone cannot change the world, but she can cast a stone across the waters to create many ripples. It is rightly said, the more you cut a diamond, the more it shines. There are so many aspects of a relation where the presence of a woman is of utmost importance. And 8th of March celebrates the essence of these superpowers, the largest untapped reservoir of talent in the world. This day, celebrated since 1908, fights for equal rights for women across the world. The theme for the year 2023 is Embrace Equity, while the United Nations celebrates this year's theme as Digit All. A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. Let us celebrate women's achievement by raising awareness about discrimination and taking action to drive gender parity. The colors of the International Women's Day are symbolic, with purple signifying justice and dignity. Green symbolizes hope, while white represents purity. नारी तेरे रूप अनेक सभी युगों में सभी कालों में है तेरी शक्ति का उल्लेख बच्चों के लिए शक्ति है प्यार शत्रु के लिए कभी हुंकार अलग अलग शक्ति के भेद नारी तेरे रूप अनेक सुप्रभात हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला उत्सव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रेम एवं प्रशंसा के भाव दर्शाने का प्रतीक है भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता रहा पूजनीय माना जाता रहा किंतु बदलते समय के साथ समाज में उसकी दशा दयनीय होती चली गई और उसे जीवन के कठिन दौर से गुजरना पड़ा फिर उसने अपने कुचले स्वाभिमान की रक्षा के लिए उठ खड़े होने का निश्चय किया उसने कभी अपनी सरलता से तो कभी सत्य के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त किया और कभी सेवा और परोपकार से प्रसिद्धि प्राप्त की कभी नम्रता तो कभी अपनी वीरता और पराक्रम से अपनी पहचान बनाई नारी शक्ति को जागृत करने वालों में से एक उदाहरण है 1831 में जन्मी सावित्री बाई फुले जिन्होंने पहले पहल महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई लोगों के भरपूर विरोध के बावजूद उन्होंने बालिकाओं के लिए पुणे में 18 स्कूल खुलवाए बताया जाता है कि जब वे घर से स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे लेकिन अपने दृढ़ निश्चय के कारण वे अडिग रहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें आज भारत में बड़ी संख्या में लड़कियों का शिक्षा प्राप्त करना सावित्री बाई फुले जैसे अथक प्रयासों का ही फल है आज नारी प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह खेल हो चाहे शिक्षा हो चिकित्सा हो या फिर विज्ञान सब जगह अपनी उपलब्धियां गिनवा चुकी है साइकिल से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक का कार्य भी उसके लिए अब संभव हो सका है लेकिन अगर यह संभव हो पाया है तो उसके अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के कारण अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के कारण आज समाज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है अब जरूरत है कि महिलाएं अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचाने और शालीनता का परिचय देते हुए समाज को उन्नत होने में सहयोग प्रदान करें धन्यवाद वो खिड़कियाँ जो बंद हैं अब खोल दो जो दबी सी बात दिल में है अब बोल दो रोशनी हर जगह फिर से बिखरे फिर सुबह होने दो Hey woman, we love the girl in you Hey woman We love the girl in you. Hey, har taraf khula aasman par khol do. Dil ki
सुनो, दिल से कहो, चुप ना रहो, दिल की सुनो, दिल की कहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो। मुस्कुराहट चेहरों पे निखरे, फिर सुबह होने दो। First day of school in class 2. By keeping quiet because the emphasis was to speak in English. Who can forget the robo dance or the dance of the angels? I am so proud of my alma mater and think so fondly of it. You are in one of the best schools in the city. Make the most of it. Look around and you will find ample role models. All you have to do is to continue to work yourself into perfection. Begin to dream, begin to aspire and work hard. I'm so proud of my alma mater because it continues to allow the children to discover themselves, to give the space and give them an identity and a voice.